हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल के फर्स्ट राउंड में कितने कितने रैंक तक कौन कौन से ब्रांच क्लोज हो जाएंगे, इस चीज को मैं डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन ही नहीं, मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। हाँ, कितने कितने तक क्लोज हो जाएंगे तुम मान सकते हो, थोड़ा थोड़ा का वेरिएशन हो सकता है, पर ये एग्जैक्ट रहेगा क्योंकि मणिपाल के रिगार्डिंग मेरे पास कंप्लीट एक आइडिया है। और बहुत सारे बच्चे ये मेरे को पूछे थे, भैया सीसी आईटी से में क्या डिफरेंस है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो में कवर कर देने का, सीएससी में, आईटी में, सीसी में, डेटा साइंस में क्या क्या सिलेबस का डिफरेंस होता है और प्लेसमेंट के टाइम क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से ब्रांच को मर्ज करके बैठा जाता है, किसको अलग बैठा, ये चीज को मैं ट्राई करूंगा कवर कर देने का। बस सभी वीडियो में जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज किसी भी कॉन्सर के ट्रैप में मत फंसो। मणिपाल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक एक चीज को मैं अपलोड कर दूंगा जो इन्फॉर्मेटिव हो। फालतू का कोई वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, जो इन्फॉर्मेटिव हो मैं ट्राई करूंगा उसे तुम सभी तक लाने का। अब पर्सनली कोई डाउट आता है, भैया मैं मणिपाल ज्वाइन करूँ या ना करूँ, मेरे पास मणिपाल के पैनल में ये ऑप्शन है, मैं मणिपाल का फी मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह कोई डाउट आता है, भैया मैं जेईई मेंस में इतना परसेंटाइल आने वाला है, या फिर कोई भी तरह का डाउट आ रहा है, भैया मेरे पास वीआईटी है सारे, मेरा मेन कैंपस है, मैं किसको चूज करूँ, इस तरह कोई पर्सनल डाउट आता है तब तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। अगर और कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में करो, मैं लगभग सबका रिप्लाई करता हूँ, मेरे लिए जितना पॉसिबल होता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और रिप्लाई मैं सबका करूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है पर मैं सबका रिप्लाई करूंगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज किसी कॉलेज का ट्रैप में मत फंसना और कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, एटलीस्ट उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात कर लो, जस्ट मैं तुमको एक आइडिया दे देंगे। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं, नहीं भैया मैं मास्टर अपना इंडिया के बाहर से करना चाहता हूँ, वो सबके लिए मणिपाल कैसा ऑप्शन है मैं ट्राई करूंगा इसे भी डिस्कस कर देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। चलो मैं जस्ट बता देता हूँ, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस के ऊपर तुम्हारा लगभग 7.5 to 8K तक जाएगा फर्स्ट राउंड में, याद रखना एग्जैक्ट मान सकते हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है पर तुम इसे मान सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, इतने रैंक तक है तो फर्स्ट राउंड में इसी के अकॉर्डिंग तुम चॉइस फिलिंग करना। फिर AI ML के ऊपर मैं बात करूँ लगभग 10 to 11K तक जाएगा, 10 to 11K तक जाएगा AI ML का। IT के ऊपर मैं बात करूँ लगभग 20 to 21K तक जाएगा फर्स्ट राउंड में, 20 to 21K तक। उसके बाद मैं बात करूँ डेटा साइंस के ऊपर, बस लगभग इसका 30K तक जाएगा, डेटा साइंस का 30K तक जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ इंटेलिजेंट सिस्टम, यहाँ पे ब्रांच तो एक अलग है, इंटेलिजेंट सिस्टम है, मैं इसका ट्राई करूँगा इसका सिलेबस शेयर कर देने का, इसका लगभग 30K तक तुम्हारा रहेगा, लगभग 25 to 28, 29K तक तुम्हारा रहेगा, ये तुमको मिल जाएगा। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर मैं बात करूँ लगभग इसका लगभग 32K तक तुमको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर मैं बात करूँ लगभग 33K तक तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर मैं बात करूँ लगभग 34K तक तुमको ये मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैं बात करूँ लगभग 35K तक ये तुमको मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल के ऊपर, ऑटोमोबाइल लगभग 35K तक है तुम्हारा, फिर भी तुमको ये मिल जाएगा ऑटोमोबाइल यहाँ पे। उसके बाद बात करूँ मैं मैकेनिकल के ऊपर, लगभग 35 to 36K तक है तुम्हारा रैंक, तो तेरे को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं मैं मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, उसका मैं बात करूं लगभग 32K तक ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं करूं मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर, ये भी लगभग 34K तक तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये मानो एग्जैक्ट ही मान सकते हो तुम इसे। उसके बाद मैं बात करूँ सिविल के ऊपर, लगभग 32K तक ये तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। सिविल स्पेशलाइजेशन के ऊपर मैं बात करूँ 31K तक ये तुम्हारा क्लोज होगा। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच नहीं है, बट मेरे को लगता है इस बार इस ब्रांच को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके बाद बात करूँ केमिकल के ऊपर, तो 31K तक है तुम्हारा, 31K तक है तो तुमको केमिकल यहाँ पे मिल जाएगा। केमिकल विद स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात करूँ, केमिकल का यहाँ 3 स्पेशलाइजेशन, नॉर्मल एक केमिकल हो गया तुम्हारा, एक केमिकल स्पेशलाइजेशन जो 30K तक मिलेगा, और केमिकल स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम का बात करूँ तो ये तुम्हारा 20K तक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। मैंने लगभग सारे ब्रांच को मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का कवर कर दिया हूँ। अगर और भी कोई डाउट आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के रिगार्डिंग, भैया कौन कौन सा ज्वाइन करना वर्थ इट है अकॉर्डिंग टू यू, बस कुछ भी अगर डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा अपने वीडियो में जैसे जितना जल्दी हो सके तुम्हारा सॉल्व कर देने का, क्योंकि मेरा भी थोड़ा कॉलेज का वर्क रहता है या कुछ, मैं भी थोड़ा समर इंटर्नशिप में वर्क कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिलता मेरे लिए पॉसिबल एक दिन में एक वीडियो बनाना, मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो में तुम सभी का डाउट को कवर कर देना। इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरे वीडियो से तुम्हारा 1% भी हेल्प हुआ हो, थोड़ा सा भी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाना। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं ट्राई करूंगा उसे कवर कर देने का। और मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द बैंगलोर वाले का और सिक्किम वाले को जस्ट एक कवर कर दूं, तो काउंसलिंग के टाइम तुमको फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो, और काउंसलिंग के टाइम भी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ट्राई करूंगा जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम सभी तक शेयर कर देने का। पर्सनली कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर जुड़ सकते हो, मैं भी वहां ट्राई करूंगा जितना बच्चे का हेल्प रिप्लाई कर सकूं या हेल्प कर सकूं, हेल्प करने का मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू।